चलो स्टार्ट करते हैं। आ गए क्या सभी ऑनलाइन? एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय जलवायु या मानसून। ठीक है, तो कैसे हमारे भारत में वर्षा होती है ना, कैसे शीत ऋतु होती है, कैसे ग्रीष्म ऋतु है ना, कैसे गर्मी के मौसम में भी पानी गिरता है, कैसे सर्दी के मौसम में भी पानी गिरता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे लोग आ गए हैं क्या, एक बार कन्फर्म कर देना, और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं ये भी एक बार कन्फर्म कर देना। वैसे मैं लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी है ना ये सारी चीज़ें, और बाकायदा मैंने नोट्स भी लिखाया हुआ था आप लोगों को, तो वही ही है, और उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग भारतीय मानसून या जलवायु। डाल लेना यूनिट कौन सा नंबर पड़ेगा, ये यूनिट चल रहा है ना, तो आप लोग डाल लेना भारतीय मानसून या जलवायु। ठीक है, भारतीय मानसून या जलवायु। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भारतीय मानसून या जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं है ना, तो क्या होगा किसी भी देश का है ना, किसी भी कंट्री का अगर कोई जो जलवायु जलवायु है वो कैसे उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है कि वहाँ पर का वो मतलब वो कहाँ स्थित है ना, कहाँ स्थित है का क्या मतलब है, वो ग्लोब में कहाँ स्थित है, कि वहाँ पर वो कर्क रेखा, कर्क रेखा आप लोग सभी जानते होंगे है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक, तो कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है कि किसी भी स्टेट में सॉरी किसी भी कंट्री में है ना, अगर कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण कौन कौन सा होगा, कि उसका अक्षांश और देशांतर रेखाएं होगी है ना, उसकी कर्क रेखा और मकर रेखा होगी, उसके अलावा क्या हो सकता है कि समुद्र सतह से कितनी दूरी पर है या समुद्र से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर की चलने वाली पवनों के अकॉर्डिंग होगी है ना, और वहाँ की जेट स्ट्रीम होगी, तो ये बहुत सारे जो हैं क्या है कारक हैं, रीज़न है कि भारत ये सॉरी किसी भी कंट्री की जलवायु परिवर्तन के लिए। तो सेम वैसे ही हमारे भारत की जलवायु भी अलग अलग कारकों पर निर्भर है ना, उन्हीं कारणों के द्वारा ही क्या होता है भारत के मानसून पर वो प्रभावित करती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज़ है वो कौन सी होगी, वो होगी पवने है ना, विंड्स, मतलब भारत में चलने वाली विंड्स या फिर पवने कैसे वे अपने चेंज होती है ना, ये जो है भारत के मानसून को प्रभावित करती है। तो उसी के बारे में जो है वो आज हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोब जान लो है ना, ग्लोब जान लो कि कैसे होता है, कि सबसे पहले आप लोग अगर नोट्स बना रहे होगे तो आप लोग जो है उस चीज़ को लिखते जाओ, मैं साथ में लिख रही हूँ और आप लोग भी लिखते जाओ, फिर उसके द्वारा जो है वो हम कुछ पवनों के बारे में जानते हैं, और उन पवनों के द्वारा ही हमारा जो है वो ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, बाकी जो है अगर थोड़ा सा अगर आप लोग डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं उसको भी कल की क्लास में क्लियर करा दूंगी कि वायुमंडल और ये सारा, वैसे तो वो छोटे बच्चों वालों का पढ़ाई है, थोड़ा सा अपर में हम लोग आते हैं, तो मैं ये आप लोगों को होमवर्क देती हूँ है ना, कि पवने कितने प्रकार की होती हैं ये पहले जानना ज़रूरी है आप लोगों को। दूसरा ये है कि वायुमंडल है ना, जैव मंडल ये सब पढ़े होंगे, तो वायुमंडल के कौन कौन से टाइप्स हैं है ना, कौन कौन से अलग कारक है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारा चीज़ जो है वो आप लोग पढ़ कर आओगे, तो उसके द्वारा ही जो है वो हमारा मानसून क्लियर होगा। ठीक, तो अभी मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप अपने तरफ से प्रिपेयर होकर आएं। ठीक है, और मैं वो होमवर्क जो है वो ग्रुप में डाल दूंगी टेलीग्राम में। ठीक है, तो उसके साथ ही आप लोग क्या करोगे, मुझे आंसर दोगे और फिर आप लोगों को भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, साथ में उस पॉइंट का मैं जो जो ज़रूरत है उस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्लोब बनाना, है ना। तो बेटा जैसे आप लोग ग्लोब नहीं बना पा रहे हो तो जस्ट क्या करो, एक क्या बोलते हैं एरोज में क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट, है ना। तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग उस चीज़ को दर्शा सकते हो कि किसके नीचे कौन कौन सी जो है वो जगह है और उसको क्या नाम दिए। तो सबसे पहले जो है हम एक ग्लोब इमेजिन करते हैं, एक बॉल इमेजिन करते हैं, जिसके सबसे ऊपरी पॉइंट को, पीक पॉइंट को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, जो कि कितनी डिग्री होता है, 0 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, उत्तरी ध्रुव। मतलब एक ग्लोब है, एक बॉल है, उसके सबसे ऊपर मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को ना क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये कौन सा डिग्री रहेगा, 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ये। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आते हैं, फिर रहता है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक, उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध कितने डिग्री रहता है, 66.5 डिग्री। ठीक, 66.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध, पहले कौन सा आएगा आपका, उत्तरी ध्रुव, फिर नेक्स्ट है उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक, ये हो गया क्या। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की डिग्री कितनी रहती है, 33.5। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, पहले क्या लिखे हो आप लोग, उत्तरी ध्रुव जो 0 डिग्री है, फिर नेक्स्ट एरो डाल के लिखो उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, कितना डिग्री है, 66.5। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है 33.5। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध, गर्म एरिया है ना, उष्ण कटिबंध। ठीक है, और उसके बाद एक आड़ी लाइन खींचेगी जो कि क्या होगी आपकी, ये होगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, समझ में आया क्या, अभी ये ऊपर वाला एरिया हो गया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो उत्तरी ध्रुव ये मिडिल लाइन है ना, ग्लोब का मिडिल बीच से काट दो, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, उत्तरी ध्रुव, फिर दूसरा है उत्तरी शीत कटिबंध, फिर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, फिर क्या है, उष्ण कटिबंध, उसके बाद फिर से आ जाएगा आपका उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, है ना, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध सेम 33.5 डिग्री। ठीक, फिर कौन सा आएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, ये कितना आएगा आपका, 66.5 डिग्री। और उसके बाद आपका आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव, सबसे लास्ट वाला पॉइंट। ठीक, ये समझ में आया क्या कि ये कौन मतलब हमारे ग्लोब को एक जो है वो अक्षांश देशांतर रेखाओं में काट दिया गया है, उन एरियाज को कौन कौन सा नाम दिया गया है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, फिर उष्ण कटिबंध वही आएगा, फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध एंड दक्षिणी ध्रुव, जो कि अगेन 0 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या आप लोगों को। ठीक, अब इसी में क्या है आपका, कर्क रेखा और मकर रेखा भी है। ठीक, जो कि
23 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर में आता है आपका, है ना, कौन सा रेखा आएगा, कर्क रेखा, और नीचे के 23 डिग्री पे कौन सा आएगा, मकर रेखा। इतना समझ में आया क्या? ठीक, ये हमारा हो गया ग्लोब। क्यों? क्योंकि इसी में कहां पर कौन सा जो है कंट्री पड़ रहा है, ये वहां की जलवायु पे निर्भर करता है। अगर मान लो जाए कोई कंट्री यहाँ पर पड़ रही है, तो डेट मीन्स वो यहाँ पर मतलब उष्णकटिबंधीय एरिया पे है, तो वहाँ पे गर्म इलाका होगा, है ना। अगर वो शीतकटिबंध तरफ पड़ रही है, तो वो इलाका मतलब सॉरी वो कंट्री क्या होगी, ठंडी होगी, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं जो है वो आपके सॉरी कंट्री का जलवायु पे डिपेंड करता है। ठीक, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? कोई हाँ ना में उत्तर? ठीक है, चलो, है ना। तो ये बच्चों वाला था, जो कि थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों को बताई थी। ठीक, अब देखते हैं मानसून क्या होता है। तो मानसून क्या होता है, है ना, वेदर, है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से ली गई है। ठीक, कहाँ से ली गई है? अरबी भाषा से ली गई है मानसून शब्द की उत्पत्ति। ठीक, जो कि आदर्श रूप में 20 डिग्री नॉर्थ से, है ना, डिग्री मीन समझ गए ना, ये जो डिग्रीज लिखे हुए हैं, तो 20 और 90 समझ जाओगे कि कहाँ पर कहाँ पे आएगा, है ना। तो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ क्षेत्र में पाई जाती है। नॉर्थ से, है ना, 20 डिग्री नॉर्थ मतलब 20 डिग्री उत्तर से, और 20 डिग्री साउथ में जो पवने चलती हैं, है ना, वो क्या होती है, मुख्य रूप से एशिया व दक्षिणी एशिया से सम्मिलित है। ठीक, और इसका संबंध जो है वो स्थल स्थलखंड और जलखंड के उष्मन व शीतलन से है। ठीक है, तो ये होता है आपका मानसून। ठीक, अब इसके मानसून की उत्पत्ति लिखते हैं, कुछ सिद्धांत लिखते हैं, ठीक है, कुछ कारक लिखते हैं जो हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है, ये जो मैं बनाई हुई हूँ, अगर आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर कर फिर नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। ठीक, चलो, अब इन्हीं जो उष्णकटिबंध है ना, शीतोष्ण कटिबंध है, इन्हीं इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं जगहों के बीच में क्या होता है, कुछ पवने बहती हैं, है ना, पवने विचरण करती है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। चलो, अब आते हैं, लिख लो, साइड हेडिंग डाल दो, मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति, है ना। तो मानसून की उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट डालो, तापीय सिद्धांत। ठीक है, पहला पॉइंट तापीय सिद्धांत। अब ये तापीय सिद्धांत क्या होता है और ये इसका मतलब क्या है, है ना। तापीय सिद्धांत क्या होता है? तापीय सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है, ठीक है, जब भारत में, है ना, अब ये निम्न दाब और वायु उच्च दाब तो समझ ही रहे होगे, है ना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक, तो तापीय सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ पर भारत में वर्षा कैसी होती है, है ना। तो वर्षा कराने वाली पवने या तापीय सिद्धांत क्या है? ठीक, तो तापीय सिद्धांत वो है कि जब भारत में, है ना, भारत में जो पवने स्थित है, ठीक, भारत की पवने कैसे, भारत में जो पवन है वो ट्रेड पवन, व्यापारिक पवन, है ना। अब ये व्यापारिक पवन क्या है,
ठीक है, व्यापारिक पवन वो पवने हैं जो विषुवत रेखा के ऊपर और मतलब उत्तर और दक्षिण में बहने वाली पवने हैं। ठीक, कौन सी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ग्लोब है ना, ग्लोब में आप अभी मैं लिखाई थी विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक, तो उस ग्लोब में विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली ये क्या है, जो क्या है, ये पवने हैं। ठीक है, मेनली ये क्या करती हैं, जैसे उत्तर, अगर वो उत्तर में है तो वो क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और दक्षिण वाली दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। समझ में आ रहा है क्या? व्यापारिक पवने बहती कैसी हैं? व्यापारिक पवने कैसे बहती है? एक ग्लोब है, बीच में से काट दो, उसके ऊपर एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन, है ना, तो बीच वाली लाइन क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। ठीक, उस विषुवत रेखा के ऊपर में, ठीक, यहाँ पर, यहाँ पर मतलब ऊपर में, मतलब उत्तर में और दक्षिण में कौन सी पवने बह रही है? व्यापारिक पवने, या फिर उसको क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये जनरली चलती कैसे हैं कि उत्तर वाली जो है वो दक्षिण की तरफ जाएंगी और जो दक्षिण वाली पवने हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, ऑपोजिट आ रही है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज है? कुछ भी मतलब अगर डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो उत्तर वाली जो है वो उत्तर की व्यापारिक पवने उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी और जो दक्षिण की जो व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। ठीक है, तो ये जो पवने हैं, ये जो पवने हैं ये क्या करती हैं, ये शोभ मंडल में स्थित होती है। व्यापारिक पवने कहाँ पर स्थित है? शोभ मंडल, है ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, समझ रहे हो ना, तो व्यापारिक पवने शोभ मंडल में स्थित होती है। ठीक, तो जब ये भारत में स्थित जो पवन है वो अभी कौन सी है, मतलब अभी इन द सेंस मैं अभी करेंटली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इमेजिन करो कि भारत में जो पवने हैं वो लो प्रेशर में है। ठीक है, अब भारत में जो पवने हैं, है ना, इंडिया बना लो, इंडिया में इधर कौन सा है, हिंद महासागर, है ना, इधर क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक, और इधर क्या है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है ना, अरब महासागर। ठीक, तो अभी भारत में कौन सा दाव, मतलब कौन सी पवने चलती रहती हैं, निम्न वायु दाब वाली, मतलब लो प्रेशर वाली। अभी समझ लो ना, अभी मैं कुछ लिखा नहीं रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ। भारत में स्थित तापी सिद्धांत क्या कहलाता है कि भारत में स्थित पवने या विंड्स वो कौन सी है, निम्न वायु दाब, मतलब लो प्रेशर वाली वायु दाब है। तो जब इन विंड्स को अरब सागर से मतलब वो क्या हो जाती है, अरब सागर से जब जो पवने हैं भारत में प्रवेश करती है ना, अरब सागर, अरब महासागर से जो पवने हैं भारत में प्रवेश करती है, ठीक, तो वो क्या होती हैं, हाई प्रेशर वाली होती हैं। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर मिलता है तो वो क्या होता है, जो पवने हैं वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक, और इसी पवनों के द्वारा ही भारत में क्या होता है, वर्षा का कारण होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? जब हाई प्रेशर लो प्रेशर से मिलता है तब क्या होता है, वहां पर वर्षा का कारण बनता है। तो भारत में वर्षा का कारण, समझ में आया क्या? भारत में मतलब तापी सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी किसी कंट्री में, है ना, अगर लो प्रेशर है और वहां पर से उसको जो है कहीं से हाई प्रेशर वाली जो है मिल जाती है वायु, तो वहां पर वो दोनों क्या होती है, हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उससे ही वर्षा का कारण बनता है। इतना समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया या कोई डाउट है? तापी सिद्धांत क्या कहलाता है? यशस्वी, तापी सिद्धांत क्या कहलाता है, समझ में आया? तो इसका पॉइंट लिख लो। ठीक है, भारत में स्थित, इसके एक दो पॉइंट लिख लो, तापी सिद्धांत डैश करके लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, भारत में स्थित
निम्न वायु दाब भारत में स्थित निम्न वायु दाब जब निम्न वायु दाब स्थित है लिखना भारत में निम्न वायु दाब स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब अरब महासागर से हवा भारत में प्रवेश करती है तब वह हवा हाई प्रेशर या उच्च वायु दाब वाली होती है। उच्च वायु दाब वाली होती है, ठीक है। हुआ क्या, भारत में हवा जो है वो निम्न वायु दाब वाली स्थित है ना। तो जब अरब सागर से हवा भारत में प्रवेश करती है तब वह हवा उच्च दाब वायु वाली होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, निम्न वायु दाब व उच्च वायु दाब आपस में मिलकर वर्षा का कारण बनते हैं। समझ में आया क्या कि कैसे वर्षा को होती है, ठीक। तो तापी सिद्धांत क्या कहता है कि जब समुद्र से किसी निम्न वायु दाब को समुद्र से हाई प्रेशर वाली वायु मिल जाती है तो वो दोनों क्या होती हैं, आपस में मिलकर हवा जब ऊपर उठती है ना तो फिर वो वर्षा का कारण बनती है। समझ में आया ये चीज, हो गया। ठीक है, ये था आपका तापी सिद्धांत, तीन पॉइंट है, ठीक। तो सबसे पहले तापी सिद्धांत की वजह से कैसे वर्षा हो रही है ये समझ में आया। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ITCZ, उष्ण अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको मैं रब कर दे रही हूँ ना, आप लोग ना अच्छे से वीडियोस को बार बार देख कर ना इस चीज को लिख लेना ना, ये आप लोगों के लिए ना मेंस तक के लिए आपको पॉइंट दे देगा, ठीक। तो पहला था आपका तापीय सिद्धांत, अब नेक्स्ट लिख लो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो होता है, अब यहाँ पर व्यापारिक पवने वाला चीज आएगा, ठीक है। अब ये व्यापारिक पवने वाला चीज जो है वो कैसे आएगा आपको बताते हैं,
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जर जोन वो होता है कि जब है ना विषुवत रेखा के, जैसे कि मैंने पहले व्यापारिक पर्व ने आप लोगों को बताई है ना, तो व्यापारिक पर्व ने क्या होती है, जो विषुवत रेखा के ऊपर और दक्षिण मतलब उत्तर और दक्षिण में बह रही है, तो अंतः अभिसरण क्षेत्र यहीं पर स्थापित होता है। ठीक, कैसे? विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ है ना, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री उत्तर में, ठीक है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, ठीक, तो भूमध्य रेखा ग्लोब समझ जाना, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ मतलब 5 डिग्री उत्तर के 5 डिग्री और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, जो व्यापारिक पवने स्थित है, ठीक, तो वो क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, एक अंतः अभिसरण क्षेत्र स्थापित करती हैं, ठीक। तो वो कैसे स्थापित करती हैं, जब ये पवने, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो व्यापारिक पवने मिलने से क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है, मतलब उत्तर, अभी उत्तरी गोलार्ध का समझना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो उस चीज को ध्यान से समझना। आपका ये ग्लोब है, ठीक, ग्लोब में क्या आएगा, ये भूमध्य रेखा आ गया, ठीक, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, यहाँ पर क्या होती है, अभिसरण क्षेत्र स्थापित होता है उत्तरी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित जो पवने हैं, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ में स्थित पवने हैं, जब वो व्यापारिक पवनों से मिलती है, व्यापारिक पवनों से मिलती है, तो क्या होती है, व्यापारिक पवनों से मिलती है तो क्या होता है, यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक। जब कैसे बोल रही, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आया, जब 5 डिग्री नॉर्थ में है ना, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में ही यहाँ पर जो है व्यापारिक पवने इस यहाँ पर स्थित पवनों से मिलती है ना, मतलब यहाँ पर जो है वो स्थित पवने प्लस व्यापारिक पवने जब मिलती है तो क्या कराती है, वर्षा कराती है, ठीक। अगर यही चीज मैं दक्षिणी गोलार्ध में देखूं, मतलब 5 डिग्री साउथ में देखूं, तो 5 डिग्री साउथ में स्थित पवने, 5 डिग्री साउथ में स्थित पवने, मतलब जो मौजूदा पवन है वो क्या कहलाती है, व्यापारिक, मतलब साउथ वाली व्यापारिक पवनों से जब मिलती है तो वो क्या कराती है, शीत, मतलब ठंड, आद्र, क्योंकि जो साउथ वाली जो व्यापारिक पवने हैं वो क्या रहती है, उसमें आर्द्रता रहती है, तो ठीक है, तो ये क्या कराती है, ये ठंड, मतलब शीत ऋतु का कारण बनती है। समझ में आया क्या, ये अंतः अभिसरण क्षेत्र कैसे होता है, उत्तरी गोला, फिर से एक ग्लोब है, ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दो, नॉर्थ मतलब नॉर्थ वाला गोलार्ध और साउथ वाला गोलार्ध, तो नॉर्थ वाले गोलार्ध में ही, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही 5 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में स्थित पवने जब व्यापारिक पवनों से मिलती है तो वो क्या कहलाती है, मतलब वो क्या करती है, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का कारण बनती है। समझ में आया, अगर यही जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो वहां पर आर्द्रता रहती है तो वो शीत ऋतु का कारण बनती है। ठीक, इतना समझ में आया, तो यही जो क्रियाएं हैं वो क्या है, एक क्षेत्र निर्मित करती है और इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र। इतना समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया कि ग्रीष्म ऋतु में भी पानी कैसे गिरता है, मतलब कैसे वर्षा होती है, और शीत ऋतु कैसे बनती है। समझ में आया क्या, कोई डाउट है तो पूछ लो ना, कि एक बार और समझाना है, अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र समझ में आया सभी को, राम नारायण, क्योंकि इसको ना एकदम टिपिकल लैंग्वेज में मैं अभी लिखाऊंगी या फिर आप लोग कहीं से पढ़ोगे ना तो एकदम सर के ऊपर से जाता है,
तो एक सॉफ्ट लैंग्वेज में मैं अभी आपको बता दी हूँ, बाकी जो है ये समझाने के लिए बताई हूँ, बाकी हम टिपिकल जो है वो नोट्स जो है वो उसमें लिखेंगे कि हाँ पूर्वी से दक्षिणी पूर्वी हवा ये वो दुनिया भर का। लेकिन मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे वर्षा होती है और भारत में शीत ऋतु कैसे बढ़ती है। समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। ग्लोब है, बीच में भूमध्य रेखा है, ठीक, उसके 5 डिग्री नॉर्थ में और उसके 5 डिग्री साउथ में चलो जाओ, ठीक। तो अभी सिर्फ उत्तर वाला गोलार्ध देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ में स्थित पवने जब व्यापारिक पवनों से मिलती है तो ये क्या होती है, उष्ण मतलब ग्रीष्म ऋतु में भी क्या कराती है, वर्षा का कारण बनती है। अब यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो दक्षिणी, हाँ मैं वही समझा ही रही थी, तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं हम तो दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री नीचे जाओ, ठीक है। अब वहां पर पहले से ही पवने बह रही है लेकिन घूम कर उनके पास व्यापारिक पवने, ट्रेड पवने, पवनों के व्यापारिक पवने मैं अभी बताई थी है ना, तो वहां पर स्थित पवन जब व्यापारिक पवन से मिलती है तो शीत ऋतु का कारण बनती है। अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, वर्षा कराएगी, और नीचे आएगी तो ठंड का कारण बनाएगी। और यही यही एरिया पे जो भी क्रियाएं हो रही है ना, मील के जो भी ये पवने क्रियाएं कर रही है उस एरिया को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। समझ में आया क्या? होप सो आ गया होगा, ठीक। तो चलो इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉइंट्स। ये चीज होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं वो ठीक है लेकिन वो चीज हमको याद रहना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो लिखो। तो लिखो, ऐसा क्षेत्र, पहला पॉइंट डाल के लिखना ना, ऐसा क्षेत्र या एरिया है ना, ऐसा क्षेत्र जो 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऐसा क्षेत्र जो 0 डिग्री विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर उत्तर है ना, जो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री तथा 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री दक्षिण, ऐसा क्षेत्र जो 0 डिग्री विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण क्षेत्र में उत्तरी तथा क्षेत्र में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को अभिसरित करता है, ITCZ कहलाता है, शॉर्ट में ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है,
ठीक है, अब पढ़ने से समझ में आ जाएगा आप लोगों को जो मैं समझाई हूँ। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ठीक, ऐसा क्षेत्र जो विषुवत के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को अभिसरित करता है, ITCZ कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये दोनों को मिक्स करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैं मिक्स कर करके आप लोग को लिखा रही हूँ। मार्च और सितंबर में सूर्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण मार्च और सितंबर में सूर्य उष्णकटिबंधीय लिखाई थी ना मैं उष्णकटिबंधीय है ना ग्लोब में, तो सूर्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा क्षेत्र के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है, ठीक है, ठीक ऊपर होता है। इससे तीव्र तापन होता है, तीव्र तापन मतलब गर्मी बढ़ जाती है, तीव्र तापन होता है तथा निम्न वायु दाब की पेटी बनाता है। निम्न वायु दाब की पेटी बनाता है, ठीक। फिर वही जो मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में लिखो, ये जो निम्न वायु दाब वाला है ना, लिखो निम्न वायु दाब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है ना। दोनों मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से व्यापारिक पवने जो है, निम्न वायुदाब मतलब वहां पर स्थित वायुदाब जो मैंने बताया, स्थित वायु है ना, आकर्षित करती है। ठीक, बस इतना लिखो। और यही जो है अभिसरण क्षेत्र निर्मित करता है, अभिसरण क्षेत्र
अभिसरण क्षेत्र निर्मित करता है या बनाता है, लिख लो, अभिसरण क्षेत्र बनाता है। समझ में आया क्या? क्या है अंतर ट्रॉपिकल जोन? अच्छे से समझ में आया? लिख लेना ना ये पूरा बकायदा, मैं पूरा एक थ्योरी जैसे लिख दी हूँ यहाँ पे। ऐसा क्षेत्र जो 0 डिग्री विषुवत के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को अभिसरित करता है ITCZ कहलाता है। मार्च और सितंबर में सूर्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, तब वो भूमध्य रेखा के क्षेत्र के ठीक ऊपर होता है ना। इससे तीव्र तापन हो जाता है जो निम्न वायु दाब की पेटी बनाता है। अब ये निम्न वायु दाब वाली हवा है ये उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों को अट्रैक्ट करेगी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अट्रैक्ट करेगी। तो ऊपर वाले में जो क्या होगा, गर्मी में बारिश होगी, और नीचे वाला जो क्या होगा वो शीत ऋतु का भारत में कारण बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर अब करूंगी। ठीक है, चलो इसको मैं रब करती हूँ अब जल्दी से। मैं सोची थी कि आज मानसून खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कल भी लेगा। ये समझ में आया कि कैसे ये जलवायु को पर प्रभावित करता है? आप लोग इस चीज को बार बार थोड़ा सा सुनोगे ना और पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार में सबके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। हो गया क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, तीसरा नंबर, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम है ना, नेक्स्ट वाला हेडिंग डालो, तीसरा नंबर, जेट स्ट्रीम। जेड स्ट्रीम, तो इसका कहानी क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेड स्ट्रीम वायु धारा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेड स्ट्रीम वायु धारा नाम की एक वायु का हमको जानकारी मिलता है, और इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1945 में हमको मिला था। ठीक है, लेकिन 1949 में इस जेड स्ट्रीम के विश्व युद्ध के जलवायु के संबंध में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो जेड स्ट्रीम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जेड स्ट्रीम कितने टाइप्स की होती है? जेड स्ट्रीम मीन्स एक पवन है, पवन हवा का नाम है जेड स्ट्रीम, कोई अलग चीज नहीं है। जेड स्ट्रीम क्या है? एक पवन का नाम है। अब वो पवन कैसी है? ये पवने कहाँ पर बहती हैं? जैसे कि व्यापारिक पवने कहाँ बह रही थी? क्षोभ मंडल में। तो जो आपकी जेड स्ट्रीम पवने हैं वो कहाँ पर बह रही है? समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पर विचरण कर रही है? समताप मंडल में। ठीक है, तो जेड स्ट्रीम क्या होता है? जेड स्ट्रीम जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका पछुआ पवने का नाम सुने क्या? ये वही है ना। तो पहले क्या आएगा? पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम। पहला क्या है? पछुआ या पहला कौन सा है? पछुआ पवने नाम सुने होगे है ना, पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम। जेड स्ट्रीम ब्लैक बोर्ड में लिखने से ना,
अब मात्राएं बड़ी गलत होती है। जेड स्ट्रीम पछुआ या पश्चिमी जो है वो पश्चिमी जेड स्ट्रीम। पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम क्या होता है? वे पवने, ये जो पवने होती हैं, ये क्या होती है कि ये साल भर जो है वो बहते रहती हैं, चलते रहती हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी ऋतु पे आए वो, ठीक है। ये जो पवने हैं, ये विंड्स हैं, ये सालों भर बहते रहती हैं, चलते रहती हैं, इसको स्थाई कहा जाता है, ठीक। लेकिन ये पश्चिमी पछुआ क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये पश्चिमोत्तर से चलती है। पश्चिमोत्तर मतलब समझ रहे हो कि अगर आपका कंट्री खड़ा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये किधर से आती है? पश्चिम से आती है, पश्चिम उत्तर से आती है। कैसे आएगी? आप जैसे जैसे आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो तो लेफ्ट एंड राइट, ठीक, तो आपके लेफ्ट प्लस सर है ना, तो लेफ्ट और मतलब लेफ्ट हैंड और सर के तरफ से जो पवन आएगी और किधर जा रही है वो दक्षिणी पूर्वी, मतलब तिरछा होके जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो पश्चिम उत्तर से कोई पवन जो है वो आ रही है और जिधर किधर जा रही है, साउथ ईस्ट में दक्षिणी पूर्वी हिस्से के तरफ जाती है, ठीक। इन पवनों को क्या कहते हैं? जो है वो पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम का नाम दिया गया है, ठीक। ये मेनली क्या होती है? ये क्या होती है? सूखी और शांत और शुष्क हवा होती है, ठीक। कैसी हवा होती है? सूखी शांत और शुष्क हवा होती है। कौन सी? पश्चिमोत्तर वाली या पछुआ पवने या पछुआ जेड स्ट्रीम क्या होती है? शुष्क हवाएं होती है जो शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनती है। जैसे अभी हुआ था ना बारिश, है ना, तो जो है वो पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम क्या होता है? जब शीत ऋतु में वर्षा का कारण कैसे होता है कि जब जो है पश्चिमी पवने पश्चिमोत्तर भारत से लेके दक्षिण पूर्वी की तरफ से जाती हैं, तो वो क्या होती हैं? शीत ऋतु में वर्षा का कारण होती है। समझ में आया क्या इतना? पश्चिमोत्तर और दक्षिण पूर्वी समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं पूर्वी जेड स्ट्रीम। जस्ट इसके विपरीत है। पूर्वी जेड स्ट्रीम क्या होता है? ये दक्षिणी पूर्वी से पश्चिमोत्तर, मतलब वो क्या हो रहा था? ऊपर से नीचे आ रहा था। और ये जो पूर्वी जेड स्ट्रीम क्या है? जैसा कि नाम से है कि पूर्व से पश्चिमोत्तर की तरफ जाएगी, ठीक है। मतलब जो पवने दक्षिणी पूर्वी से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तरफ जा रही है, वो पवने क्या कहलाती हैं? आपकी होती है पूर्वी जेड स्ट्रीम। समझ में आया? अब ये पूर्वी जेड स्ट्रीम का काम क्या होता है? पूर्वी जेड स्ट्रीम का काम ये होता है कि बारिश कराने वाला। कैसा? जुलाई अगस्त और सितंबर में, है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इन्हीं पवनों के कारण होता है। जो भारत में 74% जो बारिश होती है पूरे बारिश का मौसम में या पूरे वर्षा काल में जो 74% भारत को पानी मिलता है या वर्षा का कारण बनता है, वो पूर्वी जेड स्ट्रीम के कारण ही बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अच्छे से आया? किसी को डाउट है तो मैं फिर से समझाऊंगी, नहीं तो मैं लिखाऊंगी। बताओ जेड स्ट्रीम समझ में आया? चलो, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पछुआ पश्चिमी पछुआ पवने या पश्चिमी जेड स्ट्रीम में लिख लेना थोड़ा सा हेडिंग डाल के, पछुआ या पश्चिमी पवनों के बारे में लिख लो। यह स्थाई जेड स्ट्रीम है, पहला पॉइंट डाल के लिखो। यह स्थाई जेड स्ट्रीम है जो वर्ष भर चलती है, जो वर्ष भर चलती है, ठीक है। यह स्थाई जेड स्ट्रीम है जो वर्ष भर चलती है। यह, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
यह पश्चिमोत्तर भारत से या पश्चिमोत्तर भारत से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बहती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। यह शुष्क शांत वायु है जो शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनती है, ठीक। तो ये हो गया आपका पछुआ या पश्चिमी जेड स्ट्रीम, ठीक। नेक्स्ट लिखो पूर्वी जेड स्ट्रीम। यह पॉइंट डाल के लिखो, यह अस्थाई पवने हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह दक्षिणी पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक प्रवाहित होती है, जो जुलाई अगस्त सितंबर में भारी वर्षा का कारण बनती है, ठीक। तो ये है आपका पूर्वी जेड स्ट्रीम, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। तो ये था आपका जेड स्ट्रीम, पश्चिमी जेड स्ट्रीम और पूर्वी जेड स्ट्रीम। कल जो है वो अल नीनो और ला नीना पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं उसको पूरा कवर करूं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है और समझाने वाली चीज़ें थोड़ी उसमें ज़्यादा है, तो उसको मैं कल करा लेती हूँ। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही कवर करती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछोगे, ये नहीं कि बस बैठ रहे हो और पढ़ रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूछना मेरे से ज़रूर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो भी लिख देना, तो मैं कल की क्लास में उसको मैं क्लियर करा दूंगी, ठीक है। बाकी पवने कितने प्रकार की होती है, समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, ये सब आप लोग पढ़कर आओगे, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आज के लिए इतना ही ऑफ करती हूँ, 3 मिनट पहले मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो चलो, गुड नाइट।